जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशन में शुरू कर दी थी, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। देखो, बेसिक देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को एस्टेब्लिश किया, और इस इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स, और उसके नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और ये जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, इसको हमने अडॉप्ट किया फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज दोनों को इन्फोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इनॉग्रेट किया गया ऑन जनवरी 28, 1950। सुप्रीम कोर्ट ने सक्सीड किया फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को, और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 से लेके 147 तक में बात की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, जिससे डील करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5। इसके अलावा हमने सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन के बारे में बात की थी, जिसके बारे में बात करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 का क्लॉज 1। बड़ा सिंपली ये कहता है कि देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ अदर जजेस कितने होंगे वो पार्लियामेंट कानून बना के बता देगा। पार्लियामेंट ने आज की डेट में 33 अदर जजेस की बात की है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज की डेट में इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 34 जजेस हैं। ये तो सिंपल था। जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था वो बात करता है आर्टिकल 124 का क्लॉज 2, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में। इसका एक हिस्सा ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन अपॉइंट करने से पहले प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जजेस से जो उनको ठीक लगते हैं। और दूसरा हिस्सा कि जब अदर जजेस को अपॉइंट किया जाएगा तो अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जजेस से जो उनको ठीक लगते हैं। लेकिन ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट किया जा रहा है, ये करना ही करना पड़ेगा। लेकिन फिर अपन ने ये भी देखा था कि हिस्टोरिकली एक प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा था, कन्वेंशन फॉलो किया जा रहा था कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें पॉलिटिसाइजेशन हुआ इंदिरा गांधी के टाइम में, और फिर कोर्ट के सामने केस आया जिसे अपन बोलते हैं फर्स्ट जजेस केस। और ये फर्स्ट जजेस केस आया 1981 में, और इसमें आर्ग्यूमेंट हुआ, और फिर कोर्ट ने ये कहा कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस नहीं होता। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट को देंगे वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। फिर कुछ टाइम के बाद आया सेकंड जजेस केस, और ये सेकंड जजेस केस आया 1993 में। इस सेकंड जजेस केस में कोर्ट ने अपना जो अर्लियर इंटरप्रिटेशन था उसको रिवर्स कर दिया, और अब बोला कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी, प्रेसिडेंट को माननी ही माननी पड़ेगी। हाँ, इतना जरूर कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दो सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेंगे, लेकिन यहाँ भी प्राइमेसी का प्रिंसिपल था। ये दो सीनियर मोस्ट जज क्या कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का डिसीजन है। इसके बाद फिर आया थर्ड जजेस केस, और इस थर्ड जजेस केस को लाया गया 1998 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखो भाई, कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस तो है, लेकिन सारी पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में नहीं रहेगी। और यह एस्टेब्लिश कर दिया गया कॉलेजियम सिस्टम। ये कहा गया कि इस कॉलेजियम सिस्टम का मतलब है कि जब रिकमेंडेशन देने की बारी आएगी कि किसको अपॉइंट करना है एज जज, तो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में पावर नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में 4 सीनियर मोस्ट जजेस बैठेंगे, और ये 5 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि किसका नाम रिकमेंड करना है, और इसके लिए पूरी एक ड्यू प्रोसेस सिस्टम में लाई गई। ये चला, कॉलेजियम सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया। लेकिन फिर सरकार लेकर आई 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में, और इसके थ्रू इन्होंने कहा कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एस्टेब्लिश की जाएगी, जो कि बताएगी कि जजेस का अपॉइंटमेंट, किसका नाम रिकमेंड करना है, किसको अपॉइंट करना है। लेकिन फिर एक केस आया जिसे अपन बोलते हैं फोर्थ जजेस केस 2015 में, और इसमें जुडिशियरी ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन दोनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ये बोला कि ये जुडिशियरी के इंडिपेंडेंस पे हमला है। और आज की डेट में सिस्टम ये है कि जजेस को अपॉइंट किया जाता है कॉलेजियम सिस्टम के तहत, वही रिकमेंडेशन भेजते हैं, और इस पर खूब कंट्रोवर्सी है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ये बातचीत अपन ने स्पेशल वाले सेशन में की थी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, आज अपने को बात करनी है बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे। एक तो क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, कि अगर सुप्रीम कोर्ट का किसी को जज बनना है तो क्वालिफिकेशन क्या है। दूसरा, किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाना है तो ओथ कौन दिलाएगा, सैलरी कितनी होगी, अलाउंसेस कितने मिलेंगे, टेन्योर कितना होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का,
और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रिमूवल ऑफ जजेस, जजेस को रिमूव करने का क्या प्रोसीजर है, हटाया कैसे जा सकता है। देखो क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और बड़ी सिंपल सी क्वालिफिकेशंस हैं, इनकी बात की गई है आर्टिकल 124 के क्लॉज 3 में। बड़ा सिंपल, पहला तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज बनने जा रहे हो तो पहली बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, और इंडिया के सिटीजन होने के साथ साथ आप इन तीन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करो तो आपको अपॉइंट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। और तीन कंडीशंस क्या हैं, या तो आप हाई कोर्ट के जज रहे 5 साल तक किसी एक हाई कोर्ट में या वेरियस हाई कोर्ट्स में, आप कम से कम 5 साल से जज हैं और सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और साथ ही साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं पिछले 10 साल से, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं पिछले 10 साल से और सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो भी आपको अपॉइंट किया जा सकता है एज सुप्रीम कोर्ट का जज, या फिर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और साथ ही साथ प्रेसिडेंट की नज़र में, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में डिस्टिंक्ट जूरिस्ट हैं, मतलब ऐसे इंसान हैं जिनको लॉ की जानकारी है, कानून की जानकारी है, पढ़े लिखे हो, इंटेलेक्चुअल हो कानून में, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, प्रेसिडेंट को अगर ऐसा लगता है कि आपको लॉ की बहुत अच्छी जानकारी है और आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो भी आपको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है। बेसिकली अपन ये कह रहे हैं कि एक तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया तो होने ही होने चाहिए हो, और सिटीजन ऑफ इंडिया होने के साथ साथ या तो आप 5 साल से हाई कोर्ट के जज हो तो अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर आप 10 साल से हाई कोर्ट के एडवोकेट हो तो अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में आप डिस्टिंक्ट जूरिस्ट हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है। अच्छा, किस एज में सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाएगा, ऐसी कोई मिनिमम एज नहीं दी हुई है, देयर इज नो मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज। ये बेसिक क्वालिफिकेशन, बड़ा सिंपल। इसके बाद बात आती है ओथ की। जब कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाता है तो ओथ दिलाई जाती है, और ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है, या प्रेसिडेंट के द्वारा कोई इंसान अपॉइंट किया गया हो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो कि अपॉइंट हो रहे हैं उनको ओथ दिलाने के लिए। अपने को तो इतना याद रखना है कि ओथ कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और ओथ क्या है, पूरी ओथ याद रखने की जरूरत नहीं है लेकिन एक बार देख लेते हैं। टू बी अ ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान के प्रति पूरा भरोसा। दूसरा, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे। टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस विदाउट फियर और फेवर अफेक्शन और इलविल, बिना डरे बिना किसी फेवर के फियर के अफेक्शन के आपको अपनी ड्यूटीज़ को पूरी ईमानदारी के साथ फुलफिल करना है। और चौथा, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे, कानून को अपहोल्ड करेंगे। बेसिक आइडिया कि क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और साथ ही साथ या तो आप हाई कोर्ट के जज रहे 5 साल, या फिर आप हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे 10 साल, या फिर प्रेसिडेंट की नज़र में आप डिस्टिंक्ट जूरिस्ट हो, और आपको ओथ कौन दिला रहा है, प्रेसिडेंट दिला रहे हैं। सैलरी और अलाउंस की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी क्या होगी, अलाउंसेस क्या होंगे, प्रिविलेजेस क्या होंगे, लीव का सिनेरियो क्या होगा, पेंशन क्या होगी, ये सब को टाइम टू टाइम पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करने का हक किसका, पार्लियामेंट का है। और पार्लियामेंट ने जो भी सैलरी डिसाइड करी, जो भी अलाउंसेस दिए, दे कैन नॉट बी वेरीड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया और उस टाइम पर उसकी सैलरी मान लेते हैं 2.5 लाख थी, अपॉइंट करने के 2 महीने बाद बोले कि हम आपको सैलरी देंगे सिर्फ 80,000 रुपये, ऐसा नहीं हो सकता। अपॉइंट करने के टाइम पे जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस बनी रहेंगी, अपॉइंट करने के बाद उनको वेरी नहीं कर सकते टू द डिसएडवांटेज ऑफ द जज। और ये जो भी सैलरी है इसको चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। ये अपने को पता है कि जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है उस पर पार्लियामेंट के एनुअल वोट की जरूरत नहीं है। भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट रहें, फ्रीली काम करें, बिना डरे काम करें, उसके लिए उनको डिपेंडेंट नहीं बनाया जा सकता पार्लियामेंट के ऊपर कि हर साल पार्लियामेंट वोट करे और बोले कि आपको सैलरी मिल रही है। अगर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो पार्लियामेंट किसी भी तरीके से मोल्ड कर देगा उनको, इसलिए इनकी सैलरी वगैरह को चार्ज किया जाता है ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी को इंक्रीज किया गया, पहले हुआ करती थी 1 लाख, अब कर दी गई है 2.80 लाख पर मंथ। और जो अदर जजेस हैं उनकी सैलरी पहले हुआ करती थी 90,000, अब कर दी गई है 2.50 लाख पर मंथ। जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रिटायर्ड जजेस होते हैं उनको भी पेंशन मिलती है 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी, जितना उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी उसका 50% उनको मिलता है एज मंथली पेंशन। इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि कौन डिटरमाइन करता है सैलरी अलाउंसेस प्रिविलेजेस वगैरह, वो करता है पार्लियामेंट।
इसके बाद बात आती है टेन्योर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट जजेस का टेन्योर कितना है, टर्म कितना है, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का टेन्योर टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फिक्स नहीं किया गया, इट इज नॉट फिक्स्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है, कोचिंग वगैरह के एग्जाम्स में तो नॉर्मली पूछ लेते हैं इसको। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का टर्म टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फिक्स नहीं किया गया, लेकिन हाँ इसके रिगार्डिंग तीन प्रोविजंस हैं, और वो तीन प्रोविजंस कौन से हैं? पहला, कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज रह सकता है अनटिल 65 ईयर्स ऑफ एज, मतलब मैक्सिमम एज बता दी गई है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज रह सकते हैं मैक्सिमम 65 ईयर्स ऑफ एज तक। ये भी ध्यान देने वाली बात है, अभी अपन बढ़ गए हैं, कि सुप्रीम कोर्ट के जज के तरीके से अपॉइंट होने के लिए मिनिमम एज कोई फिक्स नहीं है, आपको 35 की एज पे भी अपॉइंट किया जा सकता है, 55 की पे भी किया जा सकता है, 60 की पे भी किया जा सकता है, मतलब एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज अपॉइंट होने के लिए कोई मिनिमम एज नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज बताई हुई है, कब तक रह सकते हो, 65 ईयर्स ऑफ एज तक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कोई भी जज अगर चाहे तो रिजाइन कर सकता है, और रिजाइन कर सकता है बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर चाहें तो किसी भी जज को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से रिमूव नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जब रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू करते हैं किसी भी जज के रिमूवल का। बेसिकली जजेस को रिमूव किया जाता है बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन अभी अपन बात कर रहे थे कि प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से ऑर्डर इशू नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू करते हैं ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट हैज बीन प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल। जब पार्लियामेंट रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू करते हैं जज के रिमूवल का। और पार्लियामेंट ये जो रिकमेंडेशन दे रहा है, इस रिकमेंडेशन को लोकसभा राज्यसभा दोनों में से पास करना पड़ता है बाय स्पेशल मेजॉरिटी। लोकसभा राज्यसभा दोनों में से अलग अलग स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में पास करना पड़ेगा। और स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, अपन ने खूब बात की हुई है इस पर। एक तो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस चाहिए, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस की मेजॉरिटी चाहिए, और साथ ही साथ दूसरी कंडीशन मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने मेंबर्स प्रेजेंट और वोट डाल रहे हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब होती है स्पेशल मेजॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल अपन ने कई बार बात की हुई है, जैसे लोकसभा की टोटल मेंबरशिप है 543 और अपने को इस टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी चाहिए, मतलब 50% प्लस 1 चाहिए, जो कि आई थिंक आएगा 272 या 273, जो भी है डिवाइड बाई 2 कर लो प्लस 1 कर दो। पहली कंडीशन मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, और साथ ही साथ अपने को दूसरी कंडीशन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग की भी मेजॉरिटी चाहिए। मान लेते हैं कि जिस दिन किसी जज को रिमूव करने के लिए बातचीत की जा रही थी तब 510 मेंबर्स प्रेजेंट थे, इनकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, मतलब ये हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा 340, मतलब अपने को कितनी चाहिए 340। ये दोनों कंडीशंस जब फुलफिल होंगी तब स्पेशल मेजॉरिटी मानी जाएगी लोकसभा में, और सेम फिर राज्यसभा में चाहिए। अच्छा, किसी भी जज को रिमूव करने के लिए दो ग्राउंड्स हैं, एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी, कि एक तो इनकेपेबल है और दूसरा कोई प्रूव्ड मिसबिहेवियर, कि मिसबिहेवियर प्रूव हो गया है, तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे जज इसको रिमूव किया जा सकता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन किसी भी जज को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है उसकी बातचीत की गई है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में बताया गया है कि जज को रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है, और बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है कि अगर किसी भी जज को रिमूव करना है तो रिमूवल का मोशन लाना पड़ेगा। अच्छा, रिमूवल का मोशन अगर आप लेकर आ रहे हो लोकसभा में, तो कम से कम 100 मेंबर्स का अग्रीमेंट, 100 मेंबर्स के साइन चाहिए, और अगर आप रिमूवल का मोशन लेकर आ रहे हो राज्यसभा में, तो कम से कम 50 मेंबर्स का साइन चाहिए। दोनों में से किसी भी हाउस में लाया जा सकता है किसी भी जज के रिमूवल का मोशन, लेकिन अगर लोकसभा में लेकर आ रहे हैं तो 100 मेंबर्स के साइन चाहिए, और राज्यसभा में लेकर आ रहे हैं तो 50 मेंबर्स के साइन चाहिए। अगर लोकसभा में लाया गया है तो दे दिया जाएगा स्पीकर को, और अगर राज्यसभा में लाया गया है तो दे दिया जाएगा चेयरमैन को। रिमूवल का मोशन स्पीकर या चेयरमैन को दे दिया गया है। अच्छा, स्पीकर और चेयरमैन जिस भी हाउस में लाया गया उसके अकॉर्डिंग उनके पास में ये पावर है कि दे मे और मे नॉट एडमिट इट, वो चाहें तो उस रिमूवल के मोशन को एडमिट कर सकते हैं, चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। अब स्पीकर और चेयरमैन का भी तो अपना बुद्धि विवेक है, अगर स्पीकर को चेयरमैन को ये लग रहा है कि यार ये रिमूवल का मोशन फालतू में लाया जा रहा है, पास नहीं हो पाएगा, या ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए लाया जा रहा है, तो बोल देंगे कि हम इसको एडमिट नहीं कर रहे हैं। तो उसको एडमिट करना है या नहीं करना है ये पावर किसके पास में, स्पीकर या फिर चेयरमैन जिस भी हाउस में लाया गया उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर रिमूवल के मोशन को एडमिट कर लिया गया है तो जिस भी हाउस में लाया गया है उसके अकॉर्डिंग उसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जैसे लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन, वो एक 3 मेंबर की कमेटी बनाएंगे। और इस 3 मेंबर की कमेटी में कौन कौन होगा, एक तो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो इनकी जगह पर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज। दूसरे इसमें होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और तीसरे इसमें होंगे एक डिस्टिंक्ट जूरिस्ट, मतलब ऐसा कोई इंसान जिसको लॉ की बहुत अच्छी जानकारी है। इन तीन लोगों से मिलकर बनाई जाएगी एक तीन मेंबर की कमेटी, और ये तीन मेंबर की कमेटी इंक्वायर करेगी कि ये जो रिमूवल का मोशन लाया गया है, जिन ग्राउंड्स पे लाया जा रहा है, जो एलिगेशन लगाया जा रहा है, वो ठीक है या नहीं है। और अगर इस कमेटी को लगता है कि वो ठीक है, अगर ये कमेटी बोलती है कि जज इज गिल्टी, तो ये जो रिमूवल का मोशन है इसको हाउस में पिकअप किया जाएगा, इट विल बी टेकन इन द हाउस, और दोनों हाउसेस को इसको पास करना पड़ेगा विद दी स्पेशल मेजॉरिटी, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अलग अलग स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में इसको पास करना पड़ेगा। जब दोनों हाउसेस में ये रिमूवल का मोशन पास हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया जाता है कि देखो साहब, दोनों हाउसेज ने स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में रिमूवल के मोशन को पास कर दिया है, और अब आपको हम बोल रहे हैं कि इस जज को रिमूव किया जाए। जब ये रिमूवल का एड्रेस प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया जाता है तो प्रेसिडेंट फाइनली ऑर्डर पास कर देते हैं उस जज को रिमूव करने के लिए, और जब प्रेसिडेंट ऑर्डर इश्यू कर देते हैं तब फाइनली द जज स्टैंड्स रिमूव्ड, जज रिमूव हो जाता है। बेसिक आइडिया, मोशन लाओ रिमूवल का, अगर लाना है लोकसभा में तो 100 मेंबर्स के साइन चाहिए, अगर लाना है राज्यसभा में तो 50 मेंबर्स के साइन चाहिए। स्पीकर या फिर चेयरमैन, जिस भी हाउस में लाया गया उसके अकॉर्डिंग उनको दे दिया जाएगा। स्पीकर और चेयरमैन अगर चाहें तो एडमिट करेंगे, अगर चाहें तो नहीं करेंगे। अगर एडमिट कर लेंगे तो तीन मेंबर की कमेटी बनाएंगे। इस तीन मेंबर की कमेटी में कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के कोई जज, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और तीसरा एक डिस्टिंक्ट जूरिस्ट, और ये तीन मेंबर की कमेटी इंक्वायरी करेगी। अगर तीन मेंबर की कमेटी को लगता है कि जज जो है जिसके अगेंस्ट में रिमूवल का मोशन लाया गया वो गिल्टी है, तो फिर हाउसेस में पिकअप किया जाएगा इस रिमूवल के मोशन को, और दोनों हाउसेस को स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में इसको पास करना पड़ेगा। दोनों हाउसेस अगर स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में इसको पास कर देंगे तो प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया जाएगा कि भाई देखो, हमने रिमूवल का मोशन पास कर दिया है, अब आप ऑर्डर इश्यू करो जज को रिमूव करने के लिए। प्रेसिडेंट फिर फाइनली अपना ऑर्डर इश्यू कर देंगे। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। अच्छा, आज तक इंडियन जुडिशरी की हिस्ट्री में किसी भी जज को रिमूव नहीं किया गया, किसी भी जज को इम्पीच नहीं किया गया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, इम्पीचमेंट जो टर्म है वो यूज़ किया जाता है प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए, जजेस को हटाने के लिए टर्म यूज़ किया जाता है रिमूवल। तो आज तक हमारे इंडियन जुडिशरी की हिस्ट्री में किसी भी जज को रिमूव नहीं किया गया है। हाँ, एक केस जरूर था, जस्टिस वी रामस्वामी, ये जस्टिस रहे 1991 से लेके 1993 तक। इनको रिमूव करने के लिए मोशन लाया गया, एक तीन मेंबर की कमेटी भी बनी, इस तीन मेंबर की कमेटी ने इनको गिल्टी भी पाया मिसबिहेवियर के लिए। बेसिकली ये जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस हुआ करते थे तब इन पे एलिगेशन लगा था कि इन्होंने अपने ऑफिस एक्सपेंसेस और अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में कुछ एक्सेसिवली खर्चा किया है। तो उस प्रूव्ड मिसबिहेवियर के ग्राउंड्स पे तीन मेंबर की कमेटी मोशन लाया गया था, तीन मेंबर की कमेटी बनाई गई और तीन मेंबर की कमेटी ने इनको गिल्टी भी पाया। लेकिन जब मोशन को पास करने की बारी आई तो ये मोशन पास नहीं हो पाया और ये रिमूव नहीं हुए। तो आज तक की डेट में कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव नहीं हुआ, हालांकि जस्टिस वी रामस्वामी के अगेंस्ट में मोशन लाया गया था, इनको थ्री मेंबर की कमेटी ने गिल्टी भी पाया था, लेकिन वो मोशन डिफीट हो गया लोकसभा में, वो पास नहीं हो पाया, इसलिए रिमूव नहीं हुए। और ये बातचीत हुई आज की अपनी। कोई डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच।